इंदौर में महिला एवं बाल विकास विभाग मध्य प्रदेश की समेकित बाल संरक्षण योजना के तहत 18 साल पूरी करने के बाद बाल गृह से निकलकर समाज की मुख्य धारा में शामिल होने वाले बच्चों के लिए फ्लाइट एट 18 MP कैफे का शुभारंभ सोमवार को पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री ऊषा ठाकुर, सांसद शंकर लालवानी द्वारा किया गया। इस दौरान मीडिया से चर्चा करते हुए मंत्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था से खिलवाड़ करने वालों को कतई नहीं बख्शा जाएगा। कैफे के उद्घाटन के बाद मीडिया से बात करते हुए पर्यटन मंत्री ऊषा ठाकुर ने कहा कि यह कैफे 21 सभी के भारत निर्माण का शुभ संकेत करता है। देश के युवा आत्मनिर्भर और स्वावलंबी बने, ये सबका प्रयास है। वहीं आने वाले समय में पर्यटन को बढ़ावा देने के सवाल पर कहा कि जिस तरीके से पूरे देश में COVID-19 का असर दिखा, उसके बाद धीरे धीरे अब पर्यटन पटरी पर आ गया है। 21वीं शताब्दी के भारत निर्माण का शुभ संकेत करता है। हमारे बच्चे स्वावलंबन की ओर अग्रसर हो रहे हैं, स्वाभिमान के साथ अपना जीवन जी सकें, अपने सपनों को साकार कर सकें, इसलिए ICPS के तहत इस कैफे को आज यहाँ प्रारंभ किया। पर्यटन मानव स्वभाव का एक अनिवार्य हिस्सा है और भारत का पर्यटन अध्यात्म आधारित है। COVID-19 के बाद संपूर्ण मध्य प्रदेश में होम स्टे, रूरल स्टे, एग्रो टूरिज्म, स्पिरिचुअल टूरिज्म पे विभाग काम कर रहा है और COVID-19 की चुनौतियों को स्वीकार करते हुए उनसे कैसे हमारे कर्मचारी बचें और कैसे अतिथियों को बचाएं, ये प्रशिक्षण भी हम उन सबका लगातार कर रहे हैं। वहीं राम मंदिर निर्माण के जन जागरण के लिए निकाली जा रही रैलियों पर हुए पथराव के सवाल पर उन्होंने कहा कि जो लोग भी धार्मिक हिंसा भड़काने का काम करेंगे, सरकार उन पर कड़ी कार्रवाई करेगी। देखिए, जो भी संविधान का उल्लंघन करेगा, उद्दंडता करेगा, वो कठोर दंड पाएगा, इसमें कोई दो मत नहीं। देखिए, संगठन का विषय है और संगठन इस पे चिंता भी करेगा, निर्णय भी करेगा। लगे दिशा में लगे उनकी ब्रांडिंग करने की दिशा में भी लगे और जाना पाव जो है स्पिरिचुअल टूरिज्म का सबसे बड़ा सेंटर बनने वाला है। टेंटिया मामा का जो पाताल पानी है, जनजाति संग्रहालय के रूप में बड़ा सुंदर स्वरूप ले रहा है। पाताल पानी से काला कुंड तक हेरिटेज ट्रेन भी जो चली है, उन सबको मिलाते हुए एक सुंदर प्रोजेक्ट वहाँ तैयार है। वहीं कैफे की शुरुआत कराने में योगदान देने वाले सामाजिक संगठन के कार्यकर्ताओं का कहना है कि जो बच्चे किन्हीं कारणवश बाल सुधार गृह में रह रहे थे और वो अब 18 साल की उम्र पूरी कर चुके हैं, ऐसे बच्चे समाज की मुख्य धारा से जुड़ सके और अपना भविष्य सुरक्षित कर सकें, इसके लिए उन्हें महिला बाल विकास और सामाजिक संगठन के सहयोग से पहले ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए महिला बाल विकास विभाग की मदद से कैफे खुलवाए जा रहे हैं। खोलने का उद्देश्य क्या है और क्या किस तरीके से आपको खोला गया और क्या लाभ है? जिस CSA जो कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन NGO है, ये पिछले कई सालों से आफ्टर केयर जो मुद्दा है इसके लिए काम कर रही है। तो यहाँ पर हमेशा ये देखा जाता था कि किस तरीके से बच्चों को लॉन्ग टर्म में इंगेज कर सके और ज़्यादा अच्छे से सस्टेनेबल बना सके। COVID-19 के बाद बहुत सारे जो बच्चे इस समय निकले थे तो वो बेरोज़गार हो गए थे, तो उन को ये देखा गया कि नौकरी मिलने में बड़ी दिक्कत आ रही थी, तो क्यों ना इनको एक व्यवसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया जाए और वो खुद का व्यवसाय शुरू कर सके। इस सोच के साथ महिला बाल विकास विभाग के साथ मिलकर विशाल नाटकर्णी सर के नेतृत्व के अंदर, संजय व्यास मैडम के नेतृत्व में ये कैफे की शुरुआत करी गई। कितने बच्चे को जॉब मिलेगा यहाँ? यहाँ पर अभी वर्तमान में 6 बच्चे हैं जो उसका संचालन भी कर रहे हैं और यहाँ पर प्रशिक्षण भी ले रहे हैं और अपनी शिक्षण भी कर रहे हैं। क्या नाम है सर? जी, मेरा नाम दीपेश चोकसे है, मैं स्टेट हेड हूँ कैटलिस्ट फॉर सोशल एक्शन NGO में। फिलहाल मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी में ये पहला कैफे है। आने वाले दिनों में और भी बच्चों को ट्रेनिंग इस तरह के कैफे शहर में खोले जाएंगे ताकि बच्चे एक बार फिर से अपने जीवन की नई शुरुआत कर सके। इंदौर से निखिलेश सोलंकी की रिपोर्ट।